तारीख 9 जून साल 2023 दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद का दो टू खरी खरी कहने सुनने और सुनाने वाला प्रोग्राम पॉडकास्ट। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज बेबाक बात करते हैं बीते लंबे समय से सड़क पर सिसक रही महिला पहलवानों की। वे महिला पहलवान जो गंगा जी में अपने मेडल बहाने गई थी, मगर गंगा में बिना मेडल बहाए हुए ही हरिद्वार से वापस लौट आई दिल्ली। मेडल बहाने हरिद्वार गई और वहां से मेडल बिना बहाए हुए ही लौट आई। महिला पहलवानों के इस कदम को लेकर जमाने में जिसके मन में जो आया सो कहा। कोई बोला यह सब तमाशा था, कुछ ने कहा मेडल बच गए यह भी अच्छा हुआ, और देश की सरकार पर महिला पहलवान अपना कोई दांव अब तक फिट नहीं बैठा पा रही हैं, यह भी देश के हित में अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि गांव और शहर से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आ पहुंची इन पहलवानों की जिद्दी लड़ाई में जो अनाड़ी कूदेगा वही इस खेल के दाव पेचों में खुद फंस जाएगा। आइंदा ना तो आज सड़क पर बैठी महिला पहलवानों का कुछ बिगड़ेगा, ना ही इस बवाली मुद्दे में मोहरा बने बीजेपी सांसद और भारतीय खेल संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई बहुत बड़ा नुकसान हाल फिलहाल होने जा रहा है। इस बीच शुक्रवार यानी 9 जून 2023 को देश की राजधानी नई दिल्ली से खबरें छनकर बाहर आने लगी कि दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पटियाला हाउस कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इन्हीं पहलवानों द्वारा जंतर मंतर पर इनके द्वारा भाषण के दौरान आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के मामले में, अब उसी मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश स्टेटस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भाषण के दौरान किसी भी पहलवान द्वारा किसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो किया ही नहीं गया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई 2023 की तारीख कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है। दरअसल कोर्ट में पुलिस द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कराने की नौबत तब आई जब एक शख्स ने जंतर मंतर पर इन पहलवानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में अभद्र भाषा का आरोप लगाकर याचिका दाखिल की थी। इस मांग के साथ कि पहलवानों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लिहाजा उसी याचिका की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। वही स्टेटस रिपोर्ट जिसमें शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने आरोपी पहलवानों द्वारा प्रदर्शन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल न किए जाने की बात का साफ साफ उल्लेख है। इतना ही नहीं, कई महीनों से महिला पहलवानों से सिर फुटबल के हालातों से जूझ रही दिल्ली पुलिस ने मुकदमे को बंद करने की सिफारिश के साथ कोर्ट को बताया है कि महिला पहलवान या उनके साथ बैठे अन्य पहलवान अभद्र भाषा के किसी भी तरह से आरोपी नहीं बनते हैं, क्योंकि ऐसा उनके खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।